स्टूडेंट्स, मैं हूं असार और आप लोग देख रहे हैं डीकंस्ट्रक्शन बायोलॉजी का चैनल। और आज जो हमारा टॉपिक है वो तो कॉलेज लेवल से थोड़ा सा हट गया, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये टॉपिक हमें समझ आ गया तो हमारे पास फिर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है राइबोसोम से रिलेटेड या फिर वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड जो कि ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। और वो टॉपिक हमारे पास क्या है, स्विटबर्ग यूनिट, या जिसको हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेडिमेंटेशन क्या होती है, सेंट्रीफ्यूज में ये कैसे काम कर रहा होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह राइबोसोम्स में जो 70S, 30S, 50S, 80S इस तरह के जो राइबोसोम्स के साथ हमारे पास वो यूनिट होता है, तो असल में उसका मतलब क्या है। देखिए, हमारा टॉपिक बन रहा था राइबोसोम्स, लेकिन राइबोसोम्स से पहले हमें इस टॉपिक को, इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का पता होगा तो हमारे पास बहुत सारी चीजों का जो है ना वो राइबोसोम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो हमारा टॉपिक है आज वो क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब देखिए, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि एक रोटर है, ठीक है, एक मोटर है सेंट्रीफ्यूज के अंदर जिसमें वाल्व वगैरह बनी हुई है बस, और उसमें हम अपना टेस्ट ट्यूब डालते थे, ऐसे करके डालते थे ना टेस्ट ट्यूब डालते थे, मोटर उसको घुमाता था और हम क्या कहते थे कि जो बड़े पार्टिकल्स है वो जल्दी अलहदा हो जाएंगे, जो छोटे पार्टिकल्स है वो थोड़ी देर में अलहदा होंगे। मतलब यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी सोल्यूशन पड़ा हुआ है या उसमें कोई भी वाटर वगैरह कोई चीजें पड़ी हुई है, तो क्या होगा जब उसमें कोई पार्टिकल हम डालेंगे, जैसे सोल्यूट्स बिल्कुल कोई सोल्यूट डालते हैं तो वो कुछ टाइम लेगा यहाँ सेटल होने में कुछ टाइम लेगा। कितना वो टाइम लेता है असल में, वो हमारे पास क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन के मतलब कितने टाइम में वो जो पार्टिकल है वो सेडिमेंट होगा, वो नीचे सेटल डाउन होगा, वो बैठेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। उसे क्या कहते हैं, ये जो पार्टिकल बैठेगा नीचे पैलेट की सूरत में, इस प्रोसेस इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। कितने टाइम में बैठेगा वो क्या होगा, इसके सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, वो क्या होगा इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले है ये काम जो है ना थियोडोर स्विटबर्ग ने आइडेंटिफाई किया था, तो इस वजह से सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को स्विटबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, और इसको एस से जाया करते हैं, स्मॉल एस जो है वो इसके लिए होता है, जैसे कि 70S राइबोसोम, 50S राइबोसोम, 30S राइबोसोम या इस तरह 80S राइबोसोम, तो वो जो एस है वो क्या है हमारे पास, स्विटबर्ग क्या है, वो एक यूनिट है, सही है, सेडिमेंटेशन का यूनिट है। सेडिमेंटेशन क्या है कि एक पार्टिकल जो है वो इन अ स्पेसिफिक सोल्यूशन इन अ स्पेसिफिक मीडियम कितने टाइम में वो होता है सेटल डाउन, उसको हम क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो समझ आ गया, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, टाइम से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। तो देखे, अब ये सेंट्रीफ्यूज में चीज घूमती है, ठीक है, मोटर है ना, मोटर उसको घुमाता है और उस घुमाने की वजह से एक टाइम के बाद जो है चीजें अलग हो जाती है। सेंट्रीफ्यूज का असल में काम क्या है, हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी और मास, यही काम करते हैं ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में वो काम कैसे हो रहा है, वो जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे हो रही है वो सारी। तो अब ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, अगर इसके फार्मूले को हम देखें तो जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है वो क्या है, एस इज इक्वल टू मास इंटू वन माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू रो डिवाइडेड बाई फ्रिक्शनल फोर्स, या फ्रिक्शनल फोर्स का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन। तो ये हमारे पास फार्मूला सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का, कि जब भी हम कोएफिशिएंट वगैरह या मतलब क्या कहते हैं सेडिमेंटेशन निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, एम वन माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू रो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसकी डेरिवेशन कैसे, ये हमारा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेसन है, यहाँ पे जो हमने सीखना है, जो लेक्चर है जिससे रिलेटेड, वो ये है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। अब क्या है, हमने ये टेस्ट ट्यूब सेंट्रीफ्यूज में डाल दिए तो वो घूम रहा है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब वो सारा जो फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है वो देखो कि वो कौन सी फिजिक्स इन्वॉल्व है, इस चीज को और से सुनो, कौन सी फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व है। हम कहेंगे हम इस फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को मैं इधर साइड पे लिख लेता हूं,
इस फॉर्मूले को क्या कर लेता हूँ, साइड पे लिख लेता हूँ। इसकी हमने डेरिवेशन करी कि यह फॉर्मूला कैसे आया, एम वन माइनस वी बार इंटू रो डिवाइडेड बाय एफ। ये फॉर्मूला अब हमने देखना है कि कैसे आया। देखो ये बायो से रिलेटेड है लेकिन इसमें जो फिजिक्स इन्वॉल्व है बहुत ही बेसिक फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो टेंशन नहीं लेनी, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। देखो हम बिल फर्ज और सेंट्रीफ्यूज कर रहे थे और ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारा कोई पार्टिकल पड़ा हुआ और इसकी सेडिमेंटेशन होनी है बिल फर्ज, ठीक है। ये यहाँ पे रोटर है इसके साथ ये घूमता है, क्या होता है घूमता है। तो अब देखो होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे देखने के कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है इस पार्टिकल पे। सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है। तो इसमें कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व है, देखो ये कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है, याद रखो। अब इस पार्टिकल पे देखो एक फोर्स इस तरफ लग रही है जिस फोर्स की वजह से ये नीचे वहां पे सेटल डाउन होगा। तो अब देखो जब चीज हम गोल गोल घुमा रहे हैं तो वहां पे कौन सी मोशन है, एंगुलर मोशन है, एंगुलर मोशन है तो वहां पे कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये चीज, ये जो पार्टिकल है ये सेडिमेंटेशन की तरफ जाएगा, ये सेटल होने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे एक फोर्स इस पे कौन सी इन्वॉल्व है जो इस तरफ लग रही है, वो कौन सी फोर्स है, वो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम क्या देते हैं एफ सी, इसको क्या कह देते हैं एफ सी। अब इसके अलावा अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर पड़ा हुआ पार्टिकल और उस पार्टिकल के साथ साथ उस टेस्ट ट्यूब में मीडियम है, जैसे वाटर है, कोई सॉल्वेंट है, कोई सोल्यूशन है जो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वो मीडियम है तो उसमें अगर कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है और वो नीचे जा रहा है तो इट्स मीन कि उस मीडियम के बायंसी फोर्स भी तो है ना, जो आर्किमिडीज का जो रूल था, जो बायंसी का रूल है फ्लूइड डायनामिक्स में हमने देखा था कि उस पर कोई उछाल की फोर्स भी तो लग रही होगी, फोर्स ऑफ बायंसी जो उसको सेटल डाउन नहीं होने देता, ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इस पर एक और फोर्स है जो कि इसको वापस इधर लगाने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ बायंसी, फोर्स ऑफ बायंसी, इसको एफ बी से हम लिख देते हैं फोर्स ऑफ बायंसी। इसके अलावा इस पार्टिकल पे एक और फोर्स भी लग रही है और वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है। पार्टिकल नीचे जा रहा है तो लाजमी बात है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट है वो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको नीचे नहीं जाने देता तो उसको फ्रिक्शन फिर ऊपर की तरफ लग रही है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक और फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सी फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस पर टोटल कितनी फोर्सेस लग रही है, तीन, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि उसको पॉजिटिव साइड पे लेकर जा रही है, और जबकि एफ बी फोर्स या जो फोर्स ऑफ बायंसी है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स को एफ एफ क्या देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों उसको अपोज कर रही है, उसको रिजिस्ट कर रही है। तो ये हमारे पास तीन फोर्सेज हो गई। अब देखें ये जब स्टार्ट होते हैं तो स्टार्ट में तो उसको कोई एक्सेलरेशन होगा, लेकिन जब ये मुकम्मल उस पर होता है, अपने पीक पे पहुंचता है, तो वहां पे जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटर में वो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब ये चीज हमने देख ली, देख एक बात याद रखना, एंगुलर वेलोसिटी वहां पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तीन तरह की फोर्सेस लग रही है किसी पार्टिकल में जिसका मास एम है, ये हो गया। अब देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिक फिजिक्स है इसमें, क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए, यही वाला है ना, इज इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे जितनी भी फोर्सेज हैं वो एम ए के इक्वल होंगी। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इट्स मीन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन तो वेरिएशन इन वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जीरो, क्यों, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, वेरिएशन इन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में कोई वेरिएशन आ ही नहीं रही तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, तो इट्स मीन कि एक्सेलरेशन वहां पे क्या है जीरो। इसके मुताबिक सिग्मा ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू एम इनटू जीरो व्हिच इज
जीरो, सिग्मा ऑफ आर फोर्सेज इज जीरो, सिग्मा ऑफ आर फोर्सेज इज जीरो, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को ही आ गई। ठीक है, इस चीज को याद रखें, जितने भी इस पर फोर्सेज लग रहे हैं उनका सम क्या होगा, जीरो होगा। जब इनका सम जीरो होगा तभी तो ये इक्विलिब्रियम में एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मूव कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के दौरान यहाँ पर मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास बन जाएगा, जहां पे सम ऑफ आर फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हो गए पहली इक्वेशन के सम ऑफ आर फोर्सेज इज जीरो। अब यहाँ पे फोर्सेज देखनी है हमने कि वो कितनी है। एक फोर्स हमारे पास क्या है, इधर देखो, एक फोर्स हमारे पास है एफ सी। एफ सी हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अब एंगुलर मोशन है यहाँ पे, तो हमने एंगुलर फॉर्मूला लिखना है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ सी विल बी इक्वल टू एम इन टू ओमेगा स्क्वायर, एफ की जगह क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर एंगुलर मोशन में, तो एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। ये क्या है हमारे पास फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे एम क्या है, एम क्या है हमारे पास, एम इज मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल उस मीडियम में पड़ा हुआ है उसका मास। उसके बाद ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। उसके बाद आर क्या है, आर हमारे पास इस पार्टिकल का रोटर के दरमियान जो एक्सिस है, इसके दरमियान ये कितना डिस्टेंस है, इसको कहेंगे आर। मतलब ये जो पार्टिकल है इसके बीच में और मोटर के जो एक्सिस है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमारे पास आर होगा। अगर ये पार्टिकल इधर है तो ये सारा आर है, अगर ये इधर है तो ये वाला आर है, अगर ये इधर है तो ये वाला आर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर है। आर क्या है, रेडियस। आर क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस। ठीक हो गया। एफ सी हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसका फॉर्मूला है एम ओमेगा स्क्वायर आर, जिसमें एम क्या है, ओमेगा क्या है और आर क्या है, मैं पता चल गया। उसके बाद दूसरी फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी, बी एफ बी क्या है हमारे पास, फोर्स ऑफ बायोंसी, उछाल की फोर्स, जो भी इसके स्पेलिंग है, जो भी इसके स्पेलिंग वो कर लेना। फोर्स ऑफ बायोंसी, फोर्स ऑफ बायोंसी मतलब उछाल की फोर्स है, कि अगर वो पार्टिकल नीचे जा रहा है तो लाजमी बात है वहां से कुछ जो फ्लूइड है वो हटेगा, तभी तो वो नीचे जा सकते हैं ना, वो बायोंसी होगी, वो फ्लूइड उस पर रेजिस्ट करेगा। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा जो एफ बी है, फोर्स ऑफ बायोंसी फ्लूइड डायनामिक्स में क्लासिकल फिजिक्स में देखें तो फोर्स ऑफ बायोंसी हमारे पास क्या है, एम नॉट, इसको कह देते हैं एम नॉट, मतलब जो मास फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है। या ये चीज याद रखना, फोर्स ऑफ बायोंसी में जो एम है वो पार्टिकल का मास नहीं है, वो पार्टिकल का मास नहीं है बल्कि पार्टिकल की वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका मास। क्या, पार्टिकल का मास नहीं है लेकिन जो सॉल्यूशन में हमने डाला वो पार्टिकल, तो उस पार्टिकल की वजह से जो फ्लूइड का जितनी जगह या जितना मास डिस्प्लेस हुआ है उसको कहेंगे एम नॉट। इसको क्या कहेंगे, एम नॉट, बाकी ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर है। ये एफ बी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे एम नॉट क्या है, एम नॉट हमारे पास है मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू पार्टिकल, कि जब उस मीडियम में हमने मास डाला तो उस मास की वजह से जो फ्लूइड का मास डिस्प्लेस हुआ वो हमारे पास क्या है, एम नॉट है। उसको क्या कहेंगे, एम नॉट। अब बेसिकली एम नॉट क्या है, अगर एम नॉट को हम देखें तो एम नॉट विल बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ, ये जो रो है ये किसके लिए, डेंसिटी के लिए, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। जो एम नॉट है अगर उसका फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, मास ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ फ्लूइड टू पार्टिकल की डेंसिटी की जो रेशियो होगी वो हमारे पास डिस्प्लेस्ड मास होगा। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो वी नॉट जो है, अगर उस पार्टिकल का स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वो जो पार्टिकल है उसका कितना वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा वन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, वन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लासिकल फिजिक्स से
कि ये जो वी बार है वो हमारे पास एक्चुअली क्या है, 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल की डेंसिटी होगी उसके इनवर्स में क्या होगा, उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिख लूं तो एम नॉट विल बी इक्वल टू एम इन टू, अब ये क्या है, रो है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो मीडियम चाहे अगर वो वाटर है या कोई भी मीडियम इस्तेमाल करें उसकी डेंसिटी, और ये जो इसको अगर अलग लिख लें तो रो फ्लूइड को, इसको मैं सिर्फ रो जो है इसका मतलब कि ये फ्लूइड की डेंसिटी है मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय रो ऑफ पार्टिकल, कोई मसला तो नहीं, ऐसे इसको मैं लिख सकता हूँ। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय रो ऑफ पार्टिकल या डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है वो क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो एम नॉट हमारे पास क्या हो जाएगा, एम रो, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एम रो वी बार, एम रो वी बार। तो इसका मतलब जो हमारे पास डिस्प्लेस्ड मास है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला बनेगा एम रो इंटू वी बार। एम मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एंड वी बार इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ किस चीज का, पार्टिकल का। ये हो गया हमारे पास, इसको आगे हम थोड़ा सा कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं और अपडेट कर रहा हूं, कैसे देखो ये चीजें तो समझ आ गई ना, इसको हम साथ साथ करेंगे। इसमें एम नॉट की जगह मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं एम नॉट की इसी फॉर्मूले में, तो क्या होगा, इधर देखो एफ बी हमारे पास एम नॉट ओमेगा स्क्वायर आर है विच मस्ट बी इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एम नॉट की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, वो क्या है, एम रो वी बार मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो एफ बी के जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो ये वाला आया, और यहां पे एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उसके बाद वी बार क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, ओमेगा फिर से एंगुलर वेलोसिटी, और आर जो क्या है हमारे पास रेडियस हो गया। तो ये तो हमारे पास हो गया फोर्स ऑफ बायोन्सी, फोर्स ऑफ बायोन्सी। अब तीसरा जो हमारे पास है, तीसरा कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इसका फॉर्मूला बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन की टॉपिक मैंने पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होगा हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वही हमारे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो तीनों के हमारे पास फॉर्मूले आ गए, पहले का क्या आया था ये वाला, दूसरे का क्या आया ये वाला, और तीसरे का क्या आया ये वाला, ठीक है, इन तीनों फोर्सेस के फॉर्मूले आ गए। अब एक बात देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये आगे जा रहा है, उसी की वजह से सारा काम हो रहा है, वही हमारे पास राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वह पॉजिटिव फोर्स है, जो उसको अपोज कर रही है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव फोर्सेज है। तो अगर यहां पर हम देखें इस सिग्मा एफ की जगह हम ये तीनों फोर्सेज डाल देते हैं तो वो क्या होंगी, पॉजिटिव फोर्स का है जो राइट की तरफ जा रहा है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो क्या है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो एफ सी प्लस, अब ये वाली जो दोनों फोर्सेज है ये इसको अपोज कर रही है तो ये नेगेटिव फोर्सेज है, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ सी अपोज कर रही है तो माइनस, और यहां पे लिख देते हैं सिग्मा ऑफ एफ बी, एफ बी प्लस एफ एफ, ये मस्ट बी इक्वल टू होंगे जीरो, क्यों, एफ सी राइट साइड की तरफ जा रहा है वो उसको अपोज नहीं कर रहा, बल्कि एफ सी की वजह से पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है, तो हमारे पास पॉजिटिव फोर्स है। उसके बाद ये जो दो फोर्सेज है एफ बी और एफ एफ, वो उसको अपोज कर रही है तो वो नेगेटिव फोर्सेज है। अब एफ सी तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नेगेटिव फोर्स हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नेगेटिव फोर्स हो जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, एफ सी माइनस एफ बी प्लस एफ एफ इज इक्वल टू जीरो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये होना चाहिए। ये हो गया, अब इस वाले में मैं पुट कर लेता हूं ये तीनों क्या चीजें, ये तीनों क्या जो इसके फॉर्मूले है या जो इसके आगे से फिर प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें पुट कर लेता हूं। तो ये चीजें याद रखें, मैं यहां पे इसको करने वाला हूं कि एफ सी का फॉर्मूला क्या हमारे पास आया था, एफ सी का फॉर्मूला आया था एम ओमेगा स्क्वायर आर, उसके बाद एफ बी का फॉर्मूला क्या आया था साथ एम रो वी बार इंटू ओमेगा स्क्वायर आर।
ये तीनों के फॉर्मूले बन गए थे। फिर से बता रहा हूँ इसमें एम क्या है, देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज इक्वल है। एम क्या है हमारे पास, मास ऑफ पार्टिकल। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। वी बार क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। आर क्या है, रेडियस है। आर क्या है हमारे पास, ये वाला रेडियस है। और एफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये मैंने इधर तीनों लिख लिए, इसको मैं मिटाने लगा हूं। अब गौर से देखना, ये मुश्किल काम था। अभी आगे हम सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशंस करने हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले हमारे पास आ गए, तीनों फोर्सेस के फॉर्मूले आ गए। अब इसको हमने उठा के पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन वन में। अब एडिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन वन, तो एफ सी की वैल्यू क्या है, इधर देखो एफ सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ये हो गया। एफ बी की वैल्यू क्या है, एफ बी की वैल्यू है एम रो वी बार ओमेगा स्क्वायर आर। और एफ एफ की वैल्यू क्या है, एफ इंटू वी हो गया। और ये सारा किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये सारा किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। अभी हमने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसको खोल लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर माइनस एम रो वी बार ओमेगा स्क्वायर आर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और ये एफ वी इज इक्वल टू जीरो हो गए। अब हमने, अब देखिए इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। तो इन दो क्वांटिटीज में से हम एम ओमेगा स्क्वायर आर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर यहां से कॉमन आया तो पीछे बच गया वन, माइनस एम भी कॉमन चला गया, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन चले गए, पीछे क्या रह गया, रो इंटू वी बार, ठीक है, माइनस एफ वी, माइनस एफ वी विच इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हो गया। उसके बाद ये माइनस वाली वैल्यू को मुझ साइड पे ले जाते हैं, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर वन माइनस रो इंटू वी बार इज इक्वल टू, ये जो माइनस है उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ वी क्या हो जाएगा, एफ वी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं वैल्यू सिर्फ निकालता हूँ वी की, मुझे एफ नहीं चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए। ये v अगर मैं इस साइड पे रखूंगा तो f किधर आ जाएगा, इस साइड पे, तो m ओमेगा स्क्वायर r into 1 minus rho v bar, और ये f इधर आ गया तो डिवाइड में चला गया, which is equal to v। अब ये क्या हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, which is equal to v। अब फॉर्मूला हमारे पास अभी भी m है, उसमें ओमेगा स्क्वायर और r नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा स्क्वायर है, अब ये समझाने की खातिर, ये जो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एम के साथ, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मींस एम इनटू वन माइनस रो वी बार डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। और यही हमारे पास असल में देखें, अब ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, तो इट्स मीन कि अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से एस का ये डेरिवेशन हो गई कि एस हमारे पास क्या है, एम इंटू वन माइनस वी बार इंटू रो डिवाइडेड बाय एफ विच इज आल्सो इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, वो एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो वो चीज वो हमारे पास क्या हो गई, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये निकल आया एस हमारे पास इस फॉर्मूले के मुताबिक निकल आया, हमने डेरिवेशन कर ली। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या है वो देखते हैं, इस फॉर्मूले में क्या क्या है वो देखते हैं। इस फॉर्मूले को मैं लिख लेता हूं इधर, एस हमारे पास किसके इक्वल है, एम वन माइनस वी बार रो डिवाइडेड बाय F, divided by F. यहां पे M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। इसी तरीके से V बार क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ
स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक हो गया। ये रो क्या है हमारे पास, रो हमारे पास है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर मीडियम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या मीडियम। उसके बाद और क्या चीज है, एफ क्या है, एफ हमारे पास है फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ पार्टिकल, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ पार्टिकल। ये भी हो गया, ये तीन चीजें होगी ऑफ पार्टिकल, सही है। तो इसमें ये वाली चीजें हमें समझ आ गई। उसके बाद अब देखना है इसका रिलेशन कैसे बनता है, इसका रिलेशन कैसे बनता है। तो अब देखें, हम कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूज में जो चीजें भारी होती है, जो ज्यादा मास वाली होती है, वो जल्दी सेडिमेंट होती है, उनका सेडिमेंटेशन वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वो भारी होती है। क्या कैसे भारी होती है देखें, अगर हम इस सब को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, ये जो पूरी वैल्यू है अगर इसको हम कांस्टेंट रख लें, तो एस क्या हो जाएगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम के। इसका मतलब क्या हुआ, जितना मास ज्यादा होगा, जितना किसी पार्टिकल का वेट ज्यादा होगा, उतना ही उसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू भी, सेडिमेंटेशन रेट भी ज्यादा होगा। जो चीज जितनी भारी होगी वो जल्दी सेडिमेंट हो जाएगी, जो चीज कम भारी होगी उसके सेडिमेंटेशन में टाइम लगेगा। इसके अलावा भी सेडिमेंटेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले से याद रखना, सेडिमेंटेशन सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, साथ में वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल। कि अगर उसकी शेप ही ऐसी है कि उसका वॉल्यूम कम या ज्यादा बन रहा है, तो उससे भी इफेक्ट हो गया हमारे पास सेडिमेंटेशन रेट। इसी तरीके से डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अब एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें तुम लोग डालो पानी, और एक उसमें डालो हमारे पास क्या शहद डाल दो, तो लाजमी बात है शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की कम है, तो वहां पे इफेक्ट होगा क्योंकि पानी में वो जल्दी सेडिमेंट होगा, जबकि वो जो हमारे पास अगर शहद की डेंसिटी है वो ज्यादा है, उस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां पे सेडिमेंटेशन जल्दी नहीं होगी क्योंकि ये पार्शियल वैल्यू है। अगर रो ज्यादा हो गई तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट ज्यादा होगा, अगर ये पूरा प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो वन में से ज्यादा चीज निकलेगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा एस पे, एस के वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से एफ जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, उस पर भी डिपेंड करता है, शेप पे बहुत डिपेंड करता है, पार्टिकल की शेप क्या है, बिल फॉर्ज कोई गोल पार्टिकल है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगी क्योंकि वो स्फेरिकल सरफेस है, उस पर फ्रिक्शन कम लगेगी तो वो जल्दी सेडिमेंट होगा, वो क्या होगा जल्दी सेडिमेंट होगा। लेकिन अगर कोई इस शेप का है तो वहां पे सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, सरफेस एरिया क्या है ज्यादा है, तो वहां पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है, जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा लगेगी, जब वो ज्यादा लगेगी तो उसके बैठने में, उसके सेडिमेंट होने में भी टाइम लगेगा, तो उसकी सेडिमेंटेशन वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और यही वाला जो सीन है वो हमारे पास हो जाता है राइबोसोम्स में, किसमें हो जाता है राइबोसोम्स में। अब देखो राइबोसोम्स अलग अलग दो यूनिट्स होते हैं ना, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट। बिल्फर्स बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में जो लार्जर यूनिट होता है वो 50S का होता है, किसका होता है 50 स्ट्रट बार का होता है, मतलब जो लार्जर यूनिट है वो जल्दी सेडिमेंट होगा क्योंकि वो बड़ा यूनिट है, और जो छोटा यूनिट होगा वो 30S का होगा, मतलब उसका स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो कम है, उसके सेडिमेंट होने में टाइम लगेगा क्योंकि वो छोटा पार्टिकल है। जब ये दोनों मिलेंगे तो याद रखना जो सेडिमेंटेशन है वो कोई एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कि अब जो सेडिमेंटेशन अगर इस दोनों को इकट्ठे हो जाए तो उसके बाद इसका 80 नहीं बनेगा, 80S इसका नहीं बनेगा, बल्कि ये उससे कम होगा। क्यों कम होगा, कि ये हमारे पास लार्जर था, ये हमारे पास क्या था लार्जर था, तो इस पे सरफेस एरिया इसका कोई और था, जब इसके साथ स्मॉलर यूनिट जुड़ेगा ठीक है, तो अब ये सरफेस एरिया कम हो गया। अब जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, कि अब इसकी वॉल्यूम में भी चेंजिंग आ गई, इसकी डेंसिटी में भी चेंजिंग आ गई, इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम में भी चेंजिंग आ गई, इसकी मास में भी चेंजिंग आ गई। तो बजाय इसके कि ये 80S पे सेडिमेंट हो, ये थोड़ा टाइम लेगा, और टाइम लेगा कितना 70S। अब वो क्यों लेते हैं, जब हम राइबोसोम्स में करेंगे, राइबोसोम का टॉपिक जब उसको पढ़ेंगे तो हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे बताने का मकसद यही था कि जो हमारे पास सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो मास है, और उसके बाद डेंसिटी है, फ्रिक्शनल फोर्स है या जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द क्या है पार्टिकल। तो ये तो हो गए हमारे पास सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे एक और चीज
यहां से देखो एस हमारे पास किसके इक्वल है, वी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर। अब वी क्या है, वेलोसिटी। अगर इसका यूनिट निकालें, स्वेट बर्ग यूनिट है, जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है उसका यूनिट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, वी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर हमारे पास एक्सेलरेशन है, वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m m से कैंसिल हो गया, m जब m से कैंसिल होगा s माइनस वन ये ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, मीन s इज इक्वल टू s है। और ये s किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड्स को। तो यहां से क्या मतलब पता चला, जो सेडिमेंटेशन वैल्यू है या जो हमारे पास सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है या जो स्वेट बर्ग है वो एक्चुअली में हमारे पास यूनिट है टाइम का, क्योंकि वो सेकंड्स में बताता है। और ये हमने शुरू में डेफिनेशन से भी पता चलता है कि सेडिमेंटेशन क्या है, कि कितने टाइम में एक पार्टिकल सेटल डाउन होता है। तो वहां से भी पता चल गया कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या व्हाट इज स्वेट बर्ग, ये यूनिट ऑफ टाइम है, याद रखना इस चीज को। कभी कभी एमसीक्यू आ जाता है तो स्वेट बर्ग जो है वो यूनिट ऑफ टाइम है, ये सेकंड्स में किया जाता है। और जो हमारे पास अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन के रिलेटेड देखें तो जो वन स्वेट बर्ग होता है, जो एक एस होता है, वो 10 रेस पर माइनस 13 सेकंड्स उसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है, 10 रेस पर माइनस 13 सेकंड। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल एक एस में, मतलब 1s, उसका जो स्वीट बर्ग है वो 1s है, तो इसका मतलब उसको सेटल डाउन होने में 10 रेस पर माइनस 13, या इसको अगर 100 फेमटो सेकंड्स भी कह दें तो कोई मसला नहीं, 100 फेमटो सेकंड्स या फिर 10 रेस पर माइनस 13 सेकंड लगेंगे उसको सेटल डाउन होने में। अब अगर राइबोसोम 70s का है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस राइबोसोम को, उस पूरे राइबोसोम को कहना सेटल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 70 इंटू 10 रेस पर माइनस 13, इतना टाइम लगेगा उसको सेडिमेंट होने में। इसी तरीके से अगर कोई 30s का है तो इसका मतलब क्या होगा, 30 इंटू 10 रेस पर माइनस 13 सेकेंड उसको लगेंगे। इसी तरह अगर 50s का है तो उसका मतलब क्या होगा, 50 इंटू 10 रेस पर माइनस 13 सेकेंड उसको लगेंगे। तो इसका मतलब ये माइनस 13 में है तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये जल्दी सेडिमेंट होगा, ये जल्दी बैठ जाएगा। इन दोनों के बैठने में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सही है। तो जितनी ये वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी इसका मतलब उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है माइनस में है तो यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके लिहाज से इन तीनों में वो डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये समझ आ गई कि एस का क्या मतलब है, स्वेट बर्ग का क्या मतलब है, उसकी डेरिवेशन कौन सी होती है, कौन कौन से फैक्टर पे, जो ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, फिर राइबोसोम में 70s, 30s, 50s, 80s इनका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमने राइबोसोम से पहले कर ली। तो इंशाल्लाह आप लोग उनको समझ आ चुकी होगी, तब अगर फिर भी कोई समझना है तो कमेंट्स में पूछ लिया करो। और ये था हमारे पास एक टॉपिक से हटकर, कल से इंशाल्लाह हम दोबारा से राइबोसोम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।